टॉप 4 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स अंडर 25,000 रुपीज़। सो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट्स दुनिया में। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए एक जबरदस्त लेवल वाला गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं और आपका जो बजट है वो 25,000 रुपीज़ तक ही है, बट अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको इस बजट में कौन सा स्मार्टफोन या फिर कौन से स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ जाना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने टॉप 4 स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट करा है और उनके बारे में डिस्कस करा है कि कौन सा स्मार्टफोन आपकी नीड, आपके यूजर्स के बेसिस पर बेस्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ देखने को मिलता है। और अगर आप 25,000 के बजट में एक बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो ये 4 स्मार्टफोन्स तो आपकी विश लिस्ट में होने चाहिए। सो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, तो फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन निकल कर आता है रियलमी की तरफ से GT2 5G स्मार्टफोन, और ये स्मार्टफोन आपको अंडर 25,000 रुपीज आराम से देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर इस बजट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का एक 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.84 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 65 वाट की स्मार्ट फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिलती है। सो यहाँ पर आपको बैटरी स्पेसिफिकेशंस एकदम लाजवाब देखने को मिल जाते हैं, और परफॉर्मेंस के लिए तो ये स्मार्टफोन एकदम लाजवाब है ही। इसके बाद अगर हम बात कर लें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर भी काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज आपको इस बजट में हैवी गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ इसमें आपको 6.62 इंचेस का एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स की है। एंड इसके अलावा आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, एंड 1300 nits तक की पीक ब्राइटनेस भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफ फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और जब भी आप इस कैमरा सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो आप यहाँ से मैक्सिमम 4K की क्वालिटी में अपनी वीडियोस को इजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए, तो सामने की तरफ भी आपको सोनी IMX766 का एक 16MP का सेंसर देखने को मिल जाता है, और आप सामने की तरफ से भी सेम क्वालिटी में अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो अगर ओवरऑल इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस को देखा जाए, तो ये स्मार्टफोन बेस्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ निकल कर आता है। और ये स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ था तब 30,000 के ऊपर ही सेल होता था, बट अभी के टाइम पर आपको ये स्मार्टफोन अंडर 25,000 इजिली देखने को मिल जाएगा। तो ये तो रहे हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि आता है OnePlus की तरफ से Nord CE 3 5G स्मार्टफोन। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन आपको 25-26,000 के बजट में देखने को मिल जाएगा, बट अगर आप इस सेल के दौरान खरीदते हैं तो अंडर 25,000 आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर वर्क करता है। इसके बाद अगर बात करें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.7GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 128GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो वो काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे 5000mAh का बड़ा बैटरी बैकअप तो मिल ही जाता है, जो कि आपको सिंगल चार्ज में काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप निकाल के देगा। और इसके अलावा जब भी आपका यह स्मार्टफोन डिस्चार्ज हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर 80W का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो आपको जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही जल्दी चार्ज भी हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर भी काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पर 6.7 इंचेस का एक काफ़ी बढ़िया एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स की है। और इसके अलावा आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड HDR10+ का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस बजट में। एंड इसके बाद अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफ फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और जब भी आप इस कैमरा सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो आप यहां से मैक्सिमम फुल HD में अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए, तो सामने की तरफ भी आपको सोनी IMX890 का 16MP का एक सेंसर देखने को मिल जाता है, और आप सामने की तरफ से भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में अपनी फोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं।
सो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन में। तो अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। तो हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है स्वामी की तरफ से रेडमी के 50i 5G स्मार्टफोन, और ये भी वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है 25,000 रुपीज के अंडर में। कभी कभी यह स्मार्टफोन आपको 21,000 रुपीज का देखने को मिलेगा, कभी अंडर 25,000 रुपीज के बजट में भी देखने को मिलेगा। सो आप इस स्मार्टफोन को अगर अंडर 20,000 रुपीज ग्रैब कर पाते हैं तो ये आपके लिए काफी बढ़िया ग्रेट डील होगी। तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पर वर्क करता है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के लिए इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.85 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 6GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 128GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बात करें अगर इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5080mAh की एक काफी बढ़िया बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि नॉर्मली 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलती है। सो बैटरी के तौर पर स्पेसिफिकेशन एकदम लाजवाब देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो डिस्प्ले के तौर पर आपको यहां पर 6.6 इंचेस की एक फ्लूइड FFS LCD पैनल स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2460 पिक्सल्स की है, और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 407 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है। इसके अलावा आपको यहां पर डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर आपको डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस एकदम लाजवाब देखने को मिल जाते हैं बजट के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर बात करें इस स्मार्टफोन के रिफ्रेश रेट सपोर्ट की, तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 64MP के प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें 8MP का सेकेंडरी कैमरा और प्लस 2MP का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाते हैं, तो आप यहाँ से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में 30fps पर अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने की तरफ भी आपको 16MP का काफी बढ़िया सेंसर देखने को मिल जाता है, और आप सामने की तरफ से भी वीडियोस को इजीली काफी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तो हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हमारी लिस्ट के फोर्थ एंड लास्ट स्मार्टफोन की तरफ, जो कि आता है इन्फिनिक्स की तरफ से GT 10 प्रो स्मार्टफोन, और यह स्मार्टफोन आपको अंडर 20,000 रुपीज इजीली देखने को मिल जाता है। तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8050 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 3GHz पे क्लॉक्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट एंड 256GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और ये जो स्मार्टफोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर वर्क करता है। बात करें अगर इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिल जाती है, जो कि 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिलती है। इसके बाद अगर बात कर लें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस का एक एमोलेड पैनल भी देखने को मिल जाता है, जो कि 1080x2460 पिक्सल्स का है। इसके अलावा आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले के तौर पर काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। जब भी आप यहाँ पर कोई कंटेंट कंज्यूम करोगे, तब आपका एक्सपीरियंस जो रहेगा वो काफी बढ़िया रहेगा। इसके बाद अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 108MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, एंड इसके साथ साथ आपको 2-2MP के दो अलग अलग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, और ये जो कैमरा सेटअप है वो OIS सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलता है। एंड जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो आप यहां से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में 30fps पर अपनी वीडियोस को अल्ट्रा HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए, 32MP का आपको एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये रहे टॉप 4 गेमिंग स्मार्टफोन, जिन्हें आप 25,000 रुपीज के अंडर में इजीली ग्रैब कर सकते हैं। आप अपने बजट और नीड के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। हमने आपको सारे स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस बता दिए हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल को दी सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे।